चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा वही है, प्रूफ दैट वाला ना। कल जो अपने क्वेश्चन किया था तो उसका मैंने बता दिया था ना कि कैसे अपन इसको अप्लाई करते हैं ना, कैसे ऑपरेशंस लगाना है। और मेन पॉइंट क्या था हमको, जीरो बनाना है। क्या था हमारा, जीरो बनाना है ना। तो चलिए हम जीरो बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट सिद्ध करना है दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो जीरो बनाने के लिए देखो, यहाँ पर तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है। सिंपल क्यों, देखो इसमें वन वन दिख रहा है आपको, है ना। देखो वन माइनस वन करो तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। देखो वन माइनस वन जीरो आ रहा है, 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 वन माइनस वन जीरो आ रहा है ना। तो यानी हमको तो सिर्फ क्या चाहिए, दो जीरो चाहिए। दो जीरो से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। देखो दो जीरो कैसे बनाने वाले हैं। अगर आप यहाँ बनाना चाहते हो तो आप क्या लगा दो, रॉ ऑपरेशन। देखो आर टू माइनस आर थ्री कर दो, क्या बन जाएगा, जीरो। यहाँ कर दो आर वन माइनस आर टू, तो आर टू माइनस आर थ्री और आर वन माइनस आर टू कर दो, ठीक है। लेकिन हमने आर ऑपरेशन लगाए थे कल, रॉ ऑपरेशन कॉलम भी लगा सकते हो। देखो इसमें इसको माइनस करो, क्या बन रहा है, जीरो। तो यहाँ माइनस कर दो, क्या बन रहा है, जीरो। तो कॉलम यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें रो से भी जीरो बन रहे हैं और कॉलम से भी जीरो बन रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉलम लगा देता हूँ, ठीक है। ऑपरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रिया, है ना, संक्रिया। मैं लगा रहा हूँ, देखो सी वन को चेंज करने वाला हूँ मैं, सी वन मतलब कि ये। तो सी वन माइनस सी थ्री, सी वन माइनस सी टू कर दो, सी वन माइनस सी टू, है ना। सी वन यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी सी वन आएगा, ठीक है। एंड एक और क्या लगा रहा हूँ मैं, सी टू माइनस सी थ्री कर रहा हूँ, सी टू माइनस सी थ्री, ठीक है। सी वन माइनस सी टू और सी टू, अगर ऐसे माइनस करते हो तो कॉलम होते हैं ना, अगर ऐसे करते हो तो रो, क्योंकि रो ये है आर वन आर टू आर थ्री। तो ऐसे माइनस करोगे तो रो लगती है, ऐसे करोगे माइनस तो कॉलम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी वन में सी टू माइनस कर रहा हूँ और सी टू में से सी थ्री माइनस कर रहा हूँ। सी वन माइनस सी टू करूँगा तो यहाँ जीरो बन जाएगा और सी टू माइनस सी थ्री करूँगा तो यहाँ बन जाएगा। कौन चेंज कर रहा हूँ मैं, सी वन सी टू को मैं चेंज कर रहा हूँ, सी थ्री क्या रहेगा, सेम। सी थ्री चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो देखो सी वन माइनस सी टू, तो इसमें इसको माइनस करूँ, वन प्लस ए माइनस ए वन, क्या बचेगा, ए बच गया। इसको इसमें माइनस करोगे तो माइनस का बी बचेगा, इसमें इसको माइनस करोगे तो क्या आ गया, जीरो आ गया। अब सी टू माइनस सी थ्री, सी टू माइनस सी थ्री, तो वन माइनस वन जीरो। कौन चेंज हो रहा है, सी टू हो रहा है। इसको माइनस करोगे तो बी, इसको माइनस करोगे तो माइनस का सी, और ये लिखा है इसको लिखा रहने दो। आर थ्री को सी थ्री को हमने चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ सी वन को सी टू को चेंज किया है। तो सी वन सी टू हमारे चेंज हो गए, सी थ्री हमारा वैसा का वैसा ही। देखो अब दो जीरो बन गए, यहाँ भी जीरो बन रहा है, लेकिन मुझे नहीं बनाना, मेरे से क्या, दो जीरो से मेरा काम हो जाएगा, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, या तो आर वन से या आर टू से जिससे सॉल्व करना है कर सकते हो, प्रसार। तो मैं आर वन से कर रहा हूँ, आर वन से प्रसार करने पर, ठीक है, आर वन से प्रसार करने पर, है ना। यानी कि एक्सपेंडिंग वाई आर वन, एक्सपेंडिंग वाई आर वन, ठीक है। चलिए तो आर वन तो ये है, आर वन आपको पता ही हम कैसे लेते हैं। पहले इसको लिया हमने, किसको, ए को लिया प्लस के साथ, है ना। फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम ए कहाँ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, इसका एसमेन टू माइनस इसका एसमेन टू, इसका एसमेन टू करो तो बी इंटू वन प्लस सी। यहाँ पर एक काम करो, मजेला कोष्ट लगा दो, कर लिया जाएगा। तो माइनस वन इंटू माइनस सी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस लेंगे बीच में, क्या लेंगे, जीरो। जीरो को लेने का मतलब ही नहीं, जीरो ले क्यों रहे हो, मतलब क्योंकि जीरो लेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा जीरो। डायरेक्ट वन को ले लो, इसको ले लो वन को, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, इसका इसमें इंटू इसका इसमें, तो बी इंटू सी, बी सी माइनस बी इंटू जीरो, जीरो इंटू कर दो बी प्लस बी सी प्लस सी और प्लस बी सी, फिर इंटू कर दो ए इंटू बी, ए बी सी, ए इंटू सी और बी सी, सिक्वेंस में लिख दो, साइकिल ऑर्डर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और क्या है, ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी इसमें इंटू किया था ना, तो ए बी सी इसका इंटू किया, ए बी सी सी ए, है ना, और बी सी। तो देखो ये आपका प्रूफ हो गया, मतलब कि आर एच एस आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस। देखो ये हमको लाना था, है ना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस मेन क्या आपको ऑपरेशन लगाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन और ले लेते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखो अगला क्वेश्चन है, वन 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 ए बी सी और ए क्यू पी क्यू सी क्यू, ठीक है, क्यू वाला क्वेश्चन है हमारा, है ना। और प्रूव करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी,
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक हमने कल भी किया था, उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, इसमें क्या ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, तो फॉर्मूला चलो लिखते हैं हम, एल एच एस ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, वन वन वन, देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि इसमें भी क्या है, वन वन है। क्या है, मैंने आपको बोला था ना, जब वन वन हो या सेम हो तो जीरो बनाना आसान होता है। देखो वन माइनस वन, वन माइनस वन, तो यहाँ पर क्या करो, सी वन माइनस सी टू, सी टू माइनस सी थ्री कर दो। ठीक है, चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, वाई ऑपरेशन सी वन को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सी वन माइनस सी टू और सी टू माइनस सी थ्री। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो चेंज कौन कर रहा हूँ मैं, सी वन सी टू को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देना एंड। तो वन माइनस वन जीरो, ए माइनस बी और ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हो गया मैंने सी वन माइनस सी टू। अब सी टू माइनस सी थ्री कौन चेंज हो रहा है, सी टू, तो वन माइनस वन जीरो, बी माइनस सी और बी क्यू माइनस सी क्यू, और सी थ्री को जैसे का तैसा लिख दिया हमने, क्योंकि मैंने सी थ्री चेंज नहीं किया है, सिर्फ सी वन सी टू को चेंज किया है। अब देखो, अब हम कैसे सोल्व करने से पहले एक काम करो, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो सकता है इसको, तो हम सिंपल कर रहे हैं। ठीक है, दो जीरो हमारे बन गए, हमें क्या बनाने थे, दो जीरो, तो जो तुम तुम्हारे बन ही गए हैं। तो देखो यहाँ पर लग रहा है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, और यहाँ पर भी लग रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो भी फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं थोड़ा सा, इससे क्या होगा, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ए माइनस बी तो लिखा है यहाँ पर, बी माइनस सी भी लिखा है और सी लिखा है, हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है फॉर्मूला याद है, ए माइनस बी, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, जीरो ए माइनस बी, हाँ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लगा दिया हमने फॉर्मूला। ठीक है, इसमें भी लगा दो, जीरो बी माइनस सी, जीरो बी माइनस सी, यहाँ भी लगा दो, ए माइनस क्यू माइनस बी क्यू, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और थर्ड कैप में वन सी सी क्यू, ये लगा दी थी। ठीक है, फॉर्म लगाया मैंने, एक बार फिर देख लो, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, से दो फॉर्मूल होते हैं, हमने एक बार लगाया। ठीक है, बी क्यू माइनस सी क्यू भी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ये आर थ्री है, क्या है आर थ्री, आर थ्री से कॉमन, चाहे आर थ्री क्या सी वन से ले लो, सी वन से ए माइनस बी तथा सी टू से बी माइनस सी, वैनिष्ठ लेने पर, वैनिष्ठ लेने पर लिख लो आप, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम सी वन एंड बी माइनस सी फ्रॉम सी टू। ठीक है, देखो सी वन से मैंने क्या कॉमन लिया, जीरो में सब कुछ होता है तो कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस बी ए माइनस बी, इसमें बी माइनस सी सम में है, अब बचा वो लिख दो, ए माइनस बी कॉमन आ गया और बी माइनस सी कॉमन आ गया, बचा क्या, जीरो वन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जीरो वन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और वन सी सी क्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करेंगे हम, आर वन से, किससे करेंगे हम आर वन से, आर वन सॉल्व क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आर वन में क्या है, दो जीरो, कितने हैं दो जीरो, आप खुद देखो ना, तो जीरो वाला को हम लेंगे नहीं, क्योंकि आप जीरो लोगे फिर इन टू में कुछ भी हो क्या होता है, जीरो ज़्यादा है ना, फिर इसको भी लोगे फिर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब क्या बचा, वन को लोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपा दो, इसका एसमेंट टू, इसका एसमेंट टू, तो हम क्या जीरो ले ही नहीं रहे हैं ना, फालतू आप डायरेक्ट से ले देना एक्सपेंडिंग बाय आर वन, एक्सपेंडिंग बाय आर वन है ना, यानी कि आर वन से प्रसार करने पर, आर वन से प्रसार करने पर, चलो डाटा किसको ले रहे हैं, वन को ले रहे हैं, फर्स्ट टू थर्ड कॉलम का इसका एसमेंट टू, इसका एसमेंट टू, इसका इंटू शो करो वन में, तो क्या आएगा, वही का वही आएगा, बी स्क्वायर बी सी प्लस सी, बीच में क्या लगाते हैं माइनस, इसका एसमेंट होगा तो वही का वही आएगा, लेकिन बाहर क्या माइनस, तो तीनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। सॉल्व करना आपको अच्छे से सिखा दिया मैंने, चलिए प्लस माइनस कैंसिल हो गए, अब देखते हैं ये आगे जो बच्चा है उसको तो लिखा रहे हैं, जो कोमल लिया था है ना, उसको तो हम लिख ही देते हैं, ए माइनस बी
और बी माइनस सी, अब बन को छोड़ दो, बन से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ए माइनस बी और बी माइनस सी, यहाँ देखते हैं क्या बचा। एक काम करते हैं, बी सी माइनस ए सी को आगे लिख लो, बी सी माइनस ए बी को, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम बाद में लिख रहे हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तो मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ, है ना। अब देखो ए माइनस बी, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़े चले जाते हैं, बी माइनस सी, यहाँ पर देखो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन ले लिया, क्या बच्चा सी माइनस ए। और देखो यहाँ लग गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। चलिए आगे देखते जाते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इसमें भी है, सी माइनस ए इसमें भी है, तो क्या आ गया कॉमन आ गया, सी माइनस ए भाई कॉमन आ गया। बच्चा क्या वो देख लो, यहाँ बी बचा, यहाँ बचा सी प्लस ए, ढंग से लिख दो इसको सिक्वेंस में, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका आ गया आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल टू कितना गया आर एच एस, ये आपका प्रूफ हो गया, बस समझ गए। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ऑपरेशन लगाना आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, तो आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, प्रूफ दैट। अब जहाँ वन वन दिख जाए हमको तो वहाँ तो उनके जीरो बनाना आसान होता है, ठीक है। अब जिन क्वेश्चनों में क्या होता है वन वन नहीं होता ना, उनमें हमको थोड़ी सी दिक्कत जाती है, थोड़ा सोचना पड़ता है। सोचना क्या, मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना क्वेश्चन आपका दिमाग चलेगा, उतनी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये नहीं कि सर आपका दिमाग कैसे चलता है और हम कैसे दिमाग लगाएं कि कैसे सोचें जीरो बन जाएगा, भाई प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है। प्रैक्टिस ही सब कुछ इसमें। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी, ठीक है। फिर ये ए बी, बी स्क्वायर प्लस वन बी सी, ए सी बी सी और सी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इक्वल टू प्रूफ करना है हमको वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिख रहा है वन वन नहीं दिख रहा है ना, तो जीरो बनाना कैसे आपको दिख रहा है, जीरो बन रहा है कहीं, माइनस करके देखो जरा जीरो बन रहा है कहीं, माइनस जीरो नहीं बन रहा, यानी कि जीरो कहीं भी नहीं बन रहा। देखो इस इसको माइनस करो नहीं बन रहा, इसमें माइनस करो जीरो तो बन ही नहीं रहा है। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, दिमाग के लिए क्या है, चलो एल एच एस ले लूँ पहले मैं, एल एच एस ले लिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस वन ए वी ए सी, ए वी बी स्क्वायर प्लस वन और बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। चलिए देखते हैं ज़रा, मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉलम में इसमें एक एंट्री कर रहा हूँ, कॉलम सी वन में, मतलब कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, आपको जो करना है करिए, मल्टीप्लाई बाय ए इन सी वन एंड बी, या एक काम करो मल्टीप्लाई बाय ए बी एंड सी इन सी वन सी टू एंड सी टू सी थ्री रिस्पेक्टिवली कर देना, ठीक है। रिस्पेक्टिवली से समझ जाओगे ना, मतलब कि ए का इंटू सी वन में, बी का इंटू सी टू में, सी का इंटू सी थ्री में, इसका मतलब ये हो गया ना। आप लिख देना कि कॉलम सी वन में ए का, सी टू में बी का, सी थ्री में सी का इंटू करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। चलिए तो ए का इंटू किया मैंने यहाँ पर, इसमें भी ए का इंटू करूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं बी का इंटू कर रहा हूँ, इसमें सी टू कॉलम में, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी बी स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। और इसमें करूँगा किसका सी का, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, सी का इंटू कर दिए, मतलब ए का इंटू इसमें किया कॉलम सी वन में, सी टू में बी का, सी थ्री में सी का। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इंटू किया तो लेकिन डिवाइड भी करना पड़ता है, ये रूल्स होता है, लेकिन अगर आप ए बी सी का इंटू कर रहे हो तो ए बी सी का आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा रूल होता है, प्लस कर रहे हो तो माइनस करना पड़ता है, मतलब इक्वल रखने के लिए अपने मन से कुछ करते हैं। तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, टेक कॉमन, टेक कॉमन ए बी एंड सी,
y, r1, r2 एंड r3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब लिख देना r1 से a, r2 से b, r3 से c कॉमन ले रहा हूँ, मतलब मैंने कॉलम में इनटू किया और रो से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें भी a है, इसमें भी a, इसमें भी देखो है तो a कॉमन आ जाएगा, इसमें देखो b है सब में, b कॉमन आ जाएगा, इसमें सब में c है, तो r1 से a, r2 से b, r3 से c कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे तो बाहर क्या आ गया, ए बी सी, और एक ए बी सी अपॉन में पहले से है यहाँ पर, अपॉन में पहले से यहाँ पर ए बी सी है ही। अब देख लो क्या क्या बचा हमारा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। यहाँ अब इसमें से बी कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। इससे कॉमन के लिए हमने सी कॉमन लिया आर थ्री से ना, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन, ये तो कैंसिल हो गए। अब कुछ दिमाग चल रहा है, अब देखो जीरो बन रहे हैं, आपको दिख रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन गया, जीरो, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो, मतलब आप जीरो दो बना सकते हो और बनाने वाला आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ और भी दिख रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर रहा हूँ, सी वन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, तो तीनों को प्लस कर रहा हूँ मैं, देखो क्यों कर रहा हूँ, आपको देख लो सेम बन रहेगा, देखो तो ए स्क्वायर प्लस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी स्क्वायर, देखो सब में सेम बन रहा है, तो इस सब में सेम बन गया और मैंने सी वन को चेंज किया है, ठीक है। ये तो हिसाब यहाँ लिखा हुआ, देखो एरो लगा होता है, वो क्या होता है, चेंज करते हैं इसको हम, और ये बचा क्या, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन, अब ये कॉमन आ गया। देखो डायरेक्ट आप यहाँ जीरो बनाते तो ठीक है, वो भी सही था, लेकिन यहाँ पर मैंने कितने से क्या फ़ायदा हुआ, ये मैं कॉमन ले लूँगा, मतलब कि कॉमन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किससे, वाई सी वन से, सी वन से कॉमन आ जाएगा ना ये, और ये हमको लाना है आंसर, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा हमको, ये पूरा कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा, वन 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 बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन। अब देखो जीरो दो जीरो क्या है, दो की जगह बहुत सारे जीरो बन जाएंगे हमारे, देखना चलिए, ये भी आ गया, ये हमको जब खिलाना था है ना, और यहाँ पर क्या बन गए, वन वन भी बन गए, तो क्या बन जाएंगे जीरो। अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, ध्यान सुनना, थोड़ा समय मिटा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में क्या भूल नहीं सकते कि क्या किया था, कुछ समय नहीं है, सब लिखा रहता है यहाँ पर कि हमने क्या किया, देखो यहाँ पर ये किया है, यहाँ पर ये किया है, सब इसमें लिखा रहता है क्वेश्चनों में, अच्छी बात ये है कि हम भूल नहीं सकते, प्रैक्टिस करोगे ना तो ये लिखा रहता है कि हमने ये किया, वो कर लो। चलो तो कॉमन लिया था हमने, वो ये लिखा है वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अच्छा ऑपरेशन तो लगा दो, ऑपरेशन क्या लगाना है हमको, मुझे जीरो चाहिए, तो एक काम कर रो लगा दो, आर वन आर वन माइनस आर टू कर दो, ठीक है, एंड एक क्या कर दो आर वन आर टू ले लो, चाहे आर वन माइनस में आर थ्री करता हूँ, देखो आर वन माइनस आर टू कर सकते हो, यहाँ जीरो बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, लेकिन आर थ्री लोगे आर माइनस आर थ्री, तो ये भी जीरो बन रहा है, ये भी जीरो बन रहा है, हाँ दो जीरो बन जाएंगे, तो आर वन माइनस आर थ्री कर लो और आर टू माइनस आर थ्री कर लो, आर टू माइनस आर थ्री आर माइनस आर टू ले लो, चलो आर माइनस आर टू कर लो और आर टू माइनस आर थ्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम आर वन आर टू को चेंज कर रहे हैं, चलिए देखते हैं जरा, आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, वन माइनस वन जीरो, इसमें इसको माइनस करोगे तो माइनस वन, इसमें इसको माइनस करोगे तो जीरो, अब आर टू माइनस आर थ्री, तो वन माइनस वन जीरो, इसमें इसको माइनस करोगे तो वन, इसको माइनस करोगे तो माइनस का वन है ना, और आर थ्री हमारा वैसा का वैसा ही है, तो जीरो कितने बन गए, दो की जगह तीन बन गए, बन जाए अच्छी बात है फिर, तो अब इसमें जीरो ज़्यादा है ना, तो मैं इसे सॉल्व, इसमें भी दो जीरो है, इसमें भी दो जीरो है, चलो आर वन से कर दो, आर वन से प्रसार करने पर, मतलब कि एक्सपेंडिंग बाय आर वन, ये लिखा है इसको लिखा रहने दो, बाहर जो लिखा हुआ है ना, बाहर लिखा है उसको लिखा रहने दो, यहाँ पर देखते हैं ज़रा इसमें क्या है, इसको देखो जीरो को लेना को मतलब नहीं, जीरो लोगे प्लस के साथ, इसको लेकर माइनस के साथ लेकर माइनस माइनस के बन जाएगा प्लस बन जाएगा ना, और ये इसको छुपाया है ना, इसको भी लो मत, ये गया इसका इसमें इंटू इसका इसमें, इसका इंटू इसमें करोगे क्या आएगा जीरो, और माइनस का इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस का वन, ये वन आ गया, क्या आ गया वन, वन का इंटू करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
देखो ये आपका RHS आ गया, LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे है ना। अभी क्वेश्चन मोर करने वाले हैं इसके, अभी सिंपल क्वेश्चन थे ये, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था ना, अच्छे क्वेश्चन थे। अरे ये सब IMP क्वेश्चन चल रहे हैं, जहाँ रखना सिंपल से मतलब नहीं है, क्वेश्चन हमारा IMP है। कैसे हैं? IMP है, सिंपल भी क्वेश्चन आते एग्जाम में भी, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे ठीक है। आगे अपन क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओके चलो थैंक यू।